I can speak little in Hindi, that you can. आज ये हमारे सबसे चलो बैठ पूजा तिथि मना रहे हैं। बैठ पूजा तिथि गुरु का जो जन्मदिन है वो बैठ पूजा तिथि कही जाती है। जो असल गुरु है बैठ दे वेद व्यास और व्यास देव का परंपरा से जैसे भगवत गीता में बताया है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु। ये जो वैदिक ज्ञान है ये परंपरा से मिलती है, विद्यावत्ता से नहीं मिलती, परंपरा सकालीन भूग नष्ट परम। वो परंपरा जब नष्ट हो जाता है फिर कुछ वैदिक ज्ञान वो खराब हो जाता है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने बताया है जो अवैष्णव मुखद लीन भूत हरि कथामृतम सबम नापम। जो वैष्णव सदाचार संपन्न नहीं है उनका मुंह से भगवान की कथा सुनना नहीं चाहिए। भगवान की कथा में दोष क्या हुआ? भूत हरि कथा मृतम कहते हैं। जो हरि कथा जो है और अमृत स्वरूप फिर भी अमृत स्वरूप होते हुए भी यदि वैष्णव नहीं है उसको मुंह से सुनना नहीं चाहिए, मना किया सनातन। क्यों? स्वपच्छिष्ट पयोजथा दूध जो है ये अमृत है, परंतु यदि सांप उसमें जीवा लगा दे तो वो फिर जहर हो जाती। और श्रीमद् महाप्रभु ये बताया है कि मायावादी भाष्य सुने ले और संपूर्ण ये शास्त्रादि ग्रंथ है वेदादि श्रुति। इसलिए वेदिक वैदिक शास्त्र को श्रुति कही जाती है। श्रुति का अर्थ होता है कि शिष्य परंपरा से उसको सुनना चाहिए। गुरु शिष्य को सुनाते हैं फिर वो अपने शिष्य को सुनाते हैं वो अपने को शिष्य को सुनाते हैं। इसी प्रकार संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय रुद्र संप्रदाय श्री संप्रदाय इसी प्रकार सब संप्रदाय कुमार संप्रदाय तो संप्रदाय विहीन आदि मंत्रास्ते विफला होता। ये संप्रदाय विहीन होकर के मनमाफी जो वेदार्थ करते हैं वो विफल है, उसका कुछ कीमत नहीं है। तो ये व्यास पूजा यानी हम लोग व्यास संप्रदाय में है। व्यास का शिष्य नारद, नारद का शिष्य नारद का शिष्य आई एम सॉरी व्यास और वैदिक का शिष्य सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार परंपरा से मध्याचार्य फिर मध्याचार्य संप्रदाय में माधवेंद्र सूरी फिर उनके शिष्य है ईश्वर सूरी उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य गोस्वामी सर्वगोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ इसी प्रकार संप्रदाय में हम लोग हैं। इसलिए हमारा संप्रदाय नाम है माधव गौरी संप्रदाय। तो संप्रदाय का अर्थ होता है
जो संप्रदाय में जो आचार जो है वो अनसंट इधर उधर बकते नहीं, वो जो गुरु परंपरा से जो श्रवण करते हैं उन्हीं को बताते हैं। तो इसलिए अपना गुरुदेव जो जन्मतिथि है उसको वैष पूजा कहा जाता है, कहना असल में वैष देव गुरु है और ये आसन को वैष आसन कहा जाता है। ये परंपरा सूत्र से जो गुरु आते हैं वो आसन में उसको बैठने का जगह दिया जाता है। तो ये हमारे जो सब शिष्य हैं आज ये वैष पूजा का आयोजन किया है और वो लोग पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जो अहंग्रो उपासना कि मैं भगवान हो गया और ऐसे सब पूजा ले रहे हैं दिखावटी करने के लिए, वो बात नहीं। बात यह है कि शास्त्र में कहते हैं कि जस देवी पराभक्ति तथा देवी तथा गुरु तो शैते कथिता झट्टा प्रकाशंते महा। ये जो वैदिक क्या लाभ करने के लिए एक ही उपाय है, जस देवी पराभक्ति भगवान में पराभक्ति अप्राकृत भक्ति, और जैसे भगवान में अप्राकृत भक्ति उसी प्रकार गुरु में भी अप्राकृत जस देवी पराभक्ति जथा देवी तथा गुरु, ये अभ्यास करना चाहिए और उसको सिखाने के लिए ये बैठने पड़ता है, उनको पूजा लेने पड़ता है और उनको सिखाने पड़ता है कि उचित है। इसलिए वैष्णव पूजा अनुष्ठान किया जाता है और वो लोग पूजा करते हैं और जिसकी श्रद्धा है वो आचार्य उपासना। शास्त्र में भगवान स्वयं बताते हैं कि आचार्यों का उपासना करनी चाहिए। तो आप लोग कृपा करके आए हैं, धन्यवाद। और ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ये सारा दुनिया में ये सब सिखाते हैं, वैदिक पंथा श्रोत पंथा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठा करने के लिए ये श्रोत पंथा जो है इसको अवलंबन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उपवस्या ने जो सीखा समय में कि गुरु कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति लता जो है उसके जो बीज है उसको प्राप्त होता है, ये सब विचार है। इसलिए वैष पूजा शिष्य के लिए अवश्य कर्तव्य है, उनको गुरु सिखाएंगे। ये मतलब नहीं है जो उनसे कुछ पूजा लेके अपना कोई प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ये बात नहीं है। तो हमारा कोई सारा दुनिया में 102 सेंटर है, वो अपना अपना सा पुष्पांजलि वो एक किताब में छपा करके ये लोग प्रत्येक प्रति वर्ष में ऐसी किताब छपा रहे हैं वैष्णव पूजा में गुरु को देने के लिए। तो दो चार उसमें जो प्रबंध है श्रीमान ब्रह्मानंद स्वामी वो आप लोगों को थोड़ा सुना देंगे, फिर आप लोग प्रसाद पा करके कृपा करेंगे।